देखिए यम करीम का, यम करीम ये थर्मोमेट्री का है, पहला चैप्टर है, ये पहला चैप्टर है हीट का, फर्स्ट चैप्टर थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री है, थर्मोमेट्री है ना, ये है आपका। और क्वेश्चन नंबर है 28। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसको देखना होगा कि बोल रहा है कि द अपर फिक्स पॉइंट ऑफ ए रॉन्ग फारेनहाइट थर्मामीटर इज फाउंड टू बी 210 डिग्री फारेनहाइट व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76.268 सेंटीमीटर ऑफ एसजी। कैलकुलेट व्हाट करेक्शन इज टू बी डन फॉर इट्स अपर फिक्स पॉइंट। देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि अगर मान लिया जाए कि करेक्ट रहता तो 76 सेंटीमीटर पर ही आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना 212 डिग्री फारेनहाइट होता। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका यहाँ पर दिया हुआ है जो रॉन्ग है 76.268 दिया हुआ है, 268 दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि अगर प्रेशर को अगर हम बढ़ाएंगे, यहाँ पर जान समझना होगा कि प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा, प्रेशर अगर इंक्रीज किया जाए, इंक्रीज देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होता है, इंक्रीज करता है, ये भी इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रॉन्ग दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 210 डिग्री फारेनहाइट, ये दिया हुआ है यहाँ पर 210 डिग्री फारेनहाइट जो कि रॉन्ग है ये, तो कितना इसको होना चाहिए था। तो आप समझ सकते हैं कि जब इस प्रेशर बढ़ गया तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट भी इसको बढ़ना चाहिए था। तो ये एरर है, वही निकालना है कि कितना उसका करेक्शन को, व्हाट करेक्शन इज टू बी डन फॉर इट्स अपर फिक्स पॉइंट, तो कितना करेक्शन करना होगा। तो आपको एक डाटा समझना है कि इसमें ध्यान रखना है कि 2.68 सेंटीमीटर अगर एचजी अगर चेंज होता है तो आपको ये जो है आपका 1 डिग्री सी, या आप यहाँ निकाल सकते हैं डेल सी बाई 5 और डेल ए बाई 9। तो देखिए 1 डिग्री सी के लिए आप निकाल लीजिए पर 1/5 और डेल ए बाई 9, तो यहाँ से डेल ए फिजिकल टू कितना होगा 9/5 डिग्री एफ हो जाएगा। तो ये अगर 2.68 Hg अगर चेंज होता है तो यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट होगा 9/5 डिग्री फारेनहाइट का चेंज आता है। तो इसलिए अगर आप मैंने निकालना चाहें, अगर जिसमें कि 0.268 है, 0.268 सेंटीमीटर में एजी का, तो आपका निकल जाएगा कितना 9/5, और ये देखिए बटा में आ जाएगा 2.68 और ये ऊपर चला जाएगा इनटू 0.268 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा आपका 0.18 डिग्री फारेनहाइट आता है। तो ध्यान देना होगा आपको कि करेक्शन इसमें करना है एग्जेक्ट, अगर ये प्रेशर बढ़ा है तो ये होना चाहिए था यहाँ पर 212.1 डिग्री, 212.18 डिग्री फारेनहाइट होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन हमारा दिया हुआ कितना है यहाँ पर, ये दिया हुआ है, कितना का करेक्शन करना पड़ेगा, तो आप घटा लेंगे 212.18 डिग्री फारेनहाइट में से इस रॉन्ग को घटा लेंगे, 210 डिग्री फारेनहाइट को घटाएंगे तो कितना होगा 2.18 डिग्री फारेनहाइट, ये आपका आंसर आ जाएगा जो करेक्शन करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, देखिए